हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह आप लोग सोच रहे हैं संचिता जी के साथ आज कौन है। हाँ, आज है मेरी बेटी। ये मेरी सगी बेटी नहीं है, बट सगी बेटी से भी कुछ कम नहीं है। मेरी बड़ी दीदी की बड़ी लड़की है। और पता है, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत दिन पहले आई, जब हम लोगों का शादी भी नहीं हुआ और हमारे पास कोई भी नहीं था, तब ये हमारे पास थी। मैं, मेरे दोनों बहनें और ये देखिए, ये इसका पति और इसका बेटा। इसका पति आर्मी में जॉब करता है, मेरे हस्बैंड के साथ जॉब करता था, तो इनका रिश्ता मैंने ही ठीक किया था। और ये इसका बेटा है, ये मेरी बहुत करीब है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों पता है, उस टाइम मैं पढ़ती थी 6th और 7th में, तब पिकू हमारी दीदी के पास आई थी, मतलब मेरी दीदी की बड़ी लड़की तब हुई थी। और हम लोगों को एक छोटा सा खिलौना मिला गया था पिकू के नाम पे, एक छोटा सा बच्चा जिसको हम लैटिन कराते थे, पेशाब कराते थे, कपड़ा चेंज करते थे। जिस टाइम हमारे को गुड़िया खेलने का उम्र था, उस टाइम हमने पिकू को लेके अपना गुड़िया बना लिया। और तब से पिकू हमारे लिए बहुत अजीज है। और आज वीडियोग्राफर कौन है पता है? मेरी पोता। पोता मतलब पिकू का लड़का। इसका नाम है नोनी। नोनी का मतलब है जो लड्डू गोपाल होता है ना, जो मक्खन खाते हैं बंगाल में, उसको नोनी बोलते हैं। तो हम लोगों ने उसका नाम लड्डू, नोनी, गोपू, ऐसे बहुत कुछ रखा है। असलियत में उसका नाम है बितान। हम लोग बितान करके नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हम उनका नानी हुए। पीकू का बच्चा का हम लोग नानी हो गए हैं। आप लोगों को लगता होगा, संचिता जी आप इस उम्र में नानी हो गए? हाँ, इस उम्र में नहीं, बहुत पहले हो गए, क्योंकि मेरी दीदी ने लड़की का बहुत जल्दी शादी कर दिया था। और इसका पति हस्बैंड जो है वो रहते हैं आर्मी में, तो इस वजह से बच्चे भी हो गए। और ये रहती है हमारे घर से 4-5 घंटे दूरी पर। ये आई है मेरे पास घूमने के लिए, और मुझे बहुत अजमन अच्छा है पता है, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चों से जितना प्यार करती हूँ, उतना ही प्यार मैं पिकू से भी करती हूँ। जब हम लोगों की शादी नहीं हुई, तब मैं और मेरी मजबी दीदी, जितना भी शौक था कपड़े पहनाने का और क्लिप लगाने का, बिंदी लगाने का और सजाने का, तब हम लोगों ने सारा शौक पिकू के ऊपर पूरा किया। पिकू छोटी सी एक लड़की थी और हमारी जान थी। हम लोग बहुत उनको खिलाते थे और जहाँ भी जाते थे पिकू लेके जाते थे। दिन कैसे बदल गए हैं ना, उस टाइम लगता था पिकू को छोड़ के हम लोग कैसे जिएंगे। तब कैसे पता चला हमारे भी घर संसार होगा, हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। और ये जो वीडियो है ना, मेरा पोता कर रहा है, मैं उसकी नानी हूँ, पर वो मुझे नैनी करके बुलाता है। और आज मैं बनाऊंगी फिश, करेले की सब्जी, परवल फ्राई, थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाऊंगी। क्यों पता है, दामाद जी घर पे आए हैं, तो हमारे यहाँ पर दामाद जी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर होता है, तो मैंने भी सोचा कि नहीं, अच्छा से थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। और मेरे दामाद जी बहुत सीधे हैं, उसको कोई भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी खाना दे दो खा लेता है, कैसे भी रख लो रह लेता है। बहुत अच्छा लड़का है, भगवान ने हमें बहुत किस्मत दिया है कि हमें ऐसा दामाद मिले। मेरी बेटियों की तो अभी शादी हुई नहीं है, पर मेरी जो दीदी की लड़की है उसकी शादी हुई है और उसका दामाद बहुत अच्छा मिला है। किचन को मैंने थोड़ा सा साफ सफाई कर दिया, त्यौहार का मौसम है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है साफ सफाई, क्लीन घर एकदम चमचम हो रहा है। तो चलिए फिश बना लेते हैं। और मैंने आज, मेरा जो पोता है उसको मैंने बोला तुम वीडियो बनाओ, वो बंगाली में कुछ कुछ बोल रहा है, बट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया हुआ है। और आप लोगों को तो अब तक समझ में आ गया
संचिता जी को लग गया है जुकाम और ये जुकाम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक मैं छोड़ दूँ वॉइस ओवर देना बोलिए। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो ये देखो वीडियो करने का समझ रहे हो ना आप लोग, इधर उधर वीडियो को लेके वो घुमा रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। खाना खाने के बाद थोड़ी मजली बहन से मिलने जाना है। मेरी मजली बहन जो है मेरे घर से 20 मिनट की दूरी पर रहते हैं। हम दोनों बहन दुर्गापुर में रहते हैं। वो दुर्गापुर में नहीं, वो रहती है अंडाल पे और मेरी जो ये दीदी की लड़की है ये रहती है काटवा पे और इसका हस्बैंड जॉब करता है आर्मी पे, अम्बाला पे रहता है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, उसके बाद मजली दीदी से मिलने जाऊँगी। थोड़ा सा जंक्शन मॉल जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मॉल है वहाँ जाऊँगी, बच्चे के लिए थोड़ा सा कपड़े खिलौने और उसको जो भी चाहिए वो सब करूँगी। अब आ गई हूँ मैं नहाने। मैंने अपनी दीदी को लड़की को बोला खाना परोस दो। उस दिन ना तब तक तनु रेनु आई नहीं थी। तनु रेनु मतलब मेरे दोनों बच्चे तब तक आए नहीं थे, पिकू थी। तो देखो आज क्या बना, परवल फ्राई और करेला फ्राई, आलू पोस्तो, मछली, चटनी, रसगुल्ला, बहुत सारा आइटम बना। तो हम लोग दोनों में माँ बेटी मतलब मौसी और क्या बोलते हैं हिंदी में जो भी है मेरी दीदी की लड़की को, हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे अंदर। और ये देखो हम लोग आ गए हैं गाड़ी पे, थोड़ा सा घूम के आते हैं क्योंकि शाम हो गया है। मतलब शाम मतलब अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा अभी उजाला है। जाएंगे वहाँ से आएंगे, उसके बाद मॉल में जाएंगे, कुछ करेंगे, फिर शाम को जो खाना का बंदोबस्त है वो भी करना है। तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं। निकल जाने के बाद देखती हूँ वहाँ मैं कितना कैमरा कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे दीदी के घर में ना मैं कैमरा नहीं कर पाती हूँ। वहाँ जाती हूँ इतना गप्पे लड़ाते हैं, बात होता है, जीजा जी रहता है और दीदी के घर बहुत बड़ा है, पहले भी आप लोगों को दिखा। तो मुझे मन ही नहीं करता कि मैं कैमरा करूँ तो ऐसा लगता है क्या छोड़ के क्या आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलिए थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं बाहर। थोड़ा सा मौसम अच्छा है आज, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी इंजॉय किया आज। और टीके मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और मेरे दामाद जो है वो आगे बैठा है। तो चलिए देखते रहिए नज़ारों को। आप लोगों को पता है संचिता जी को पहाड़ का ये जो चलती हुई रोड है ये बहुत पसंद है। और अब हम आ गए हैं, शाम हो गई है घर पे और खाने की अभी तैयारी करेंगे डिनर की। तो हम लोग बैठ गए हैं डाइनिंग टेबल पे, क्या क्या तैयारी करना है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हस्बैंड बोल रहे हैं बाहर से खाना मंगा लो। तो चलिए आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब।